हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसमें आज भी भटकती है एक नटन की आत्मा। जानिए क्यों। ये कहानी साजिश और धोखे की है। एक नटन जिसकी आत्मा आज भी पता नहीं किस बात के लिए दर दर भटक रही है। नट भारत में कर्तव्य दिखाने वाली एक जाति होती है। कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में कटपहरा में खतरनाक कर्तव्य दिखाने के दौरान एक नटन के साथ यहाँ की रानी ने धोखा किया था। इस धोखे की वजह से नटन की मौत हो गई थी। नटन की मौत के वियोग में नट की भी जान निकल गई थी। गढ़पहरा किले को लोग भुथा मानते हैं। यह पूरी तरह सुनसान है। यहाँ शाम के बाद लोग डर की वजह से अकेले नहीं जाते। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नटन की आत्मा किले और महल के आसपास घूमती रहती है। हालांकि इतिहास में इस तरह का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अलबत्ता कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर इस बात का जिक्र किया गया है। यहाँ के कुछ लोग तो नटन की आत्मा द्वारा एक भरा गीत भी गाए जाने का दावा करते हैं। लोगों के मुताबिक उस गाने का बोल कई रात अपहर थोड़े है। ऐतिहासिक है ये जगह। नट और नटन से जुड़ी किंवदंती के मुताबिक किसी जमाने में यहाँ एक बूढ़े राजा का शासन था। बुंदेलखंड में पड़ने वाला कटपहरा उसकी राजधानी थी। उस दौरान राज्य में एक नट और नटनी के खतरनाक कर्तव्यों और रस्सी पर चलने के दौरान उनके संतुलन की खूब चर्चाएं होती थी। राजा ने भी नटों का ये कर्तव्य देखने की इच्छा जताई। वैसे कटपहरा जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य भी है, लेकिन उसमें इस तरह के किसी कहानी की चर्चा नहीं है। ये जगह मराठों और मुगलों के दौर में मशहूर रियासतों में गिनी जाती थी। दरबार में बुलाए गए थे नट। बूढ़े राजा की इच्छा के मुताबिक मंत्रियों ने नटों को राज दरबार पहुंचने का संदेश भेजा। नट अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार पहुंचा। कहते हैं कि नट की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। दरबार में राजा ने नट से कहा, राज्य में तुम्हारे कर्तव्यों की काफी तारीफ हो रही है। मैं भी तुम्हारा एक हैरतअंगेज कर्तव्य देखना चाहता हूँ। अगर सच में तुमने ऐसा कर्तव्य करके दिखाया तो पुरस्कार के रूप में आधा राज्य दे दिया जाएगा। रस्सियों पर चलकर पार करनी थी खतरनाक खाई। बूढ़े राजा ने नट को जो कर्तव्य दिखाने के लिए कहा था वह बहुत खतरनाक था। दरअसल इस कर्तव्य में किले के ऊंचे पर कोटे से लेकर दूसरी ओर पहाड़ों में एक रस्सी बांधी जानी थी। बीच रास्ते में गहरी और खतरनाक खाई थी। इस रस्सी पर चलकर नटन को उस पार पहुंचना था। असमंजस में थे नट और नटन। राजा की इस इच्छा पर नट और नटन असमंजस में पड़ गए। पहले उन्होंने कभी इतना खतरनाक कर्तव्य नहीं किया था। इसे करने में उनकी जान भी जा सकती थी और अगर वे इनकार करते तो बूढ़ा राजा व उनसे नाराज हो सकता था। वे राजा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा नटों ने कर्तव्य के लिए अपनी हामी दे दी। तुरंत ही राजा के आदेश पर कर्तव्य की तैयारी शुरू हो गई। नटों ने दुख में बिताई थी आखिरी रात। उस रात नट ठीक से सो नहीं पाए। ये रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। उन्होंने पूरी रात जागकर गाते हुए बिताई। उनकी आवाज बूढ़े राजा के महल तक पहुँच रही थी। कहते हैं कि गीत के बोल कुछ गई रात और पहर थोड़े थी। किंवदंती के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाह रहा था। उसे राज्य की सत्ता का लालच था। यह भी कहते हैं कि उसी रात शादी नहीं होने से परेशान राजा की बेटी भी महल छोड़कर भागना चाहती थी। जबकि उसी रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि कर्तव्य दिखाकर नटनटन उनका आधा राज्य ले लेंगे। नटन के गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बदल लिया। उसने सोचा अब बूढ़ा पिता कितने दिन जीवित रहेगा। जबकि बेटी ने भी यह सोचकर अपना मन बदल लिया कि जैसे कितना दिन बीत गया है वैसे ही कुछ और दिन गुजर जाएंगे। धोखे में ले ली गई नटन की जान। सुबह तय वक्त पर इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता उमड़ पड़ी। महल के पर कोटे से दूसरे छोर तक ऊंचाई पर बंधी रस्सी देखकर ही लोगों को भय लगा था। राजा अपने महल की छत पर राज परिवार के साथ कर्तव्य देखने के लिए बैठा था। नट ने गाने की थाप दी और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू हो गया। नटन बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी। कथा के मुताबिक रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटन कुछ ही देर में आधे रास्ते तक पहुँच गयी थी। उसके ऐसा करते ही रानी की चिंताएं बढ़ने लगी। नटन पर राजा की आसक्ति देख कर रानी को लगा कि आधा राज तो जाएगा ही, कहीं राजा नटन से विवाह भी न कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक फैसला लिया। जिस रस्सी पर नटन चल रही थी रानी ने उसे कटवा दिया। नीचे चट्टानों पर गिरने से नटन की मौत हो गई। जबकि नटन के वियोग में नट ने भी निगाने पर थाप देते देते अपनी जान दे दी।
कहते हैं कि नटनटिन की मौत के कुछ ही दिन बाद बूढ़े राजा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया। सागर में किले से सटे हाईवे पर रात के दौरान कई वाहन चालकों ने एक महिला को टहलते हुए देखने का दावा किया है। लोग मानते हैं कि ये उसी नटिन की आत्मा है जिसकी जान रानी के धोखे में चली गई थी। कुछ लोगों ने किले के पास रात में दर्द भरे गीत भी सुनने का दावा किया है। वैसे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं में भी कहा जाता है कि नटनटिन रात के दौरान रोज वही दुख भरा गीत गाते हैं जो उन्होंने कर्तव्य से पहले रात में गाया था। इस वीडियो में इतना ही। हमारी और भी आश्चर्यजनक अद्भुत एवं रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।